अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह पाक के करम, और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइव आप देख रहे हैं, गर्मियों का मौसम और बंदा ठंडा ही ना पिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज हम अपने डेरा गाजी खान सिटी ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा कैसी आवाम से सामना होता है। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सेकंड टाइम है, 4 का टाइम है, तो अभी मैं घर से निकली हूँ मेन रोड के ऊपर। जैसा कि आपको पता है ठंडाई वाले बैठे होते हैं, मैं ठंडाई पीने लग गई, तो आपको मैंने सोचा सबको बता दूं, क्योंकि कुछ डिफरेंट हम अपने चैनल पर देंगे तो लोग देखेंगे ना, आवाम देखेगी। अगर डिफरेंट कुछ नहीं जाएगा तो आप लोग फिर वीडियो ही देखनी छोड़ देते हो। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखनी छोड़ दोगे तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? तो इंशाल्लाह आज हम जबरदस्त किस्म का व्लॉग बनाएंगे, तो आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और जिन जिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने ठंडाई पीनी है तो आ जाए मेरे साथ, मैं पिलाती हूँ आप सबको ठंडाई। ले पी ले। तो आज की वीडियो अच्छी होने वाली है ना मुस्कान? ये है जी मिलन इन होटल। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, इसकी डेकोरेशन देख रहे हैं, अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, निहायत ही खूबसूरत है। जितनी तारीफ की जाए इस होटल की कम है। डी जी खान का हमारे खूबसूरत डेरा पुलाना सेरा का ये मशहूर होटल है, मिलन इन होटल, बच्चा बच्चा जाए। और ये जी हमारे डेरा गाजी खान का लारी अड्डा है, जहाँ से आपको एसी कोच वगैरह मिल सकती हैं पाकिस्तान में किसी भी सिटी में जाने के लिए। तो आगे हम ट्रैफिक चौक में पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारे डेरा गाजी खान के गाजी खान का मुजस्मा नस्ब है। पहले यहाँ पे मीनार पाकिस्तान का छोटा सा मुजस्मा नस्ब था, फिर चेंज करके उन्होंने गाजी खान का मुजस्मा लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत यागे रानी बाज़ार है। हम लासानी चरका बरोस्त वालों की शॉप आपको ज़रूर दिखाएंगे कि ये डेरा गाजी खान की बहुत ही पुरानी और कदीमी लासानी चरका बरोस्त की शॉप है। हम बचपन से इस शॉप को देखती आए हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं जी हस्पताल चौक, हॉस्पिटल चौक में। ये बहुत ही खूबसूरत सा हॉस्पिटल चौक है, सामने हॉस्पिटल जो है ना सरकारी हॉस्पिटल है। ये आप खुद ही देखकर बताइए कि हम कौन से चौक में पहुंच चुके हैं। ये जी मुशर्रफ वाली टैंकी के साथ चौक है, हम इधर पहुंच चुके हैं। आज हम आपको पूरे डीजी खान के मशहूर जगहों का विज़िट करवाएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी मेहनत अपनी ऐड कर रहे हैं। तो आज हम हैं भी बाइक के ऊपर, आप देख सकती हैं गाड़ी वगैरह नहीं है, बाइक के ऊपर आज हम हवाखोरी के लिए निकले हैं। और हमने सोचा कि आपको अपना सिटी दिखा दें आपको। ये जी हम पहुंच चुके हैं पुल डाट पे, चारों सूबों का संगम भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये सखी सरवर यानी कि फोर्ट मंडू बलोचिस्तान वाला रोड है, इधर मुल्तान रोड है, और इधर जो है कराची वाला रोड है हमारे, यानी कि चारों सूबों की ट्रैफिक यहाँ आकर जमा होती है, तो इसीलिए इसे संगम चौक पुल डाट भी कहते हैं। तो हम अपने घर वाला रोड ले रहे हैं, कराची वाला रोड यानी कि जामपुर राजनपुर सिटी वाला रोड हमारे घर का रोड है। तो मैं अपने घर के रोड की तरफ इंटर हो चुकी हूँ। आगे थोड़ा सा जैसे ही पुल डाट क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गाड़ियों के शोरूम्स हैं काफ़ी सारे, तो किसी ने भी अगर गाड़ी खरीदनी है तो आ जाए। आगे सारे काफ़ी सारे शोरूम्स हैं तो उनका भी हम आपको विज़िट कराते हैं। तो ये हमारे राजनपुर जामपुर कराची वाली साइड की ट्रैफिक जा रही है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गाड़ियों के काफ़ी तादाद में शोरूम है। मैंने तो बस थोड़ी से शोरूम्स की वीडियो बनाई। तो आगे हम जा रहे हैं पुल शोरिये पे। ये हमारी बहुत ही खूबसूरत और मशहूर डेरा गाजी खान की डिफेंस कॉलोनी है। यहाँ पर बहुत ही महंगे घर हैं और बहुत ही अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसे समझ लें। तो ये जी डॉक्टर नुसरत जावेद डेनिटल सर्जन है, यानी कि दांतों के डॉक्टर हैं, और इधर भी कोई डॉक्टर ही बैठेगा, ये भी प्लाजा रेडी हो चुका है। तो ये है जी डिफेंस व्यू से आगे हम नीचे मुड़ चुके हैं पुल शोरिया पे। यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका है, वरना दिन को दोपहर को ख़ास तौर पर काफ़ी सारे लोगों का रश होता है नहाने वालों का। आपको पता है ना कि एक वीडियो के लिए कितनी मेहनत लगती है। हम इस टाइम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, पुल शोरिया वाला रोड लिया हमने, तो इधर पाईगर चौकी के नज़दीक हम आ निकले हैं, और एक वीडियो के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और काफ़ी सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि मैं विश कभी आप बुरके में होती है कभी विदाउट बुरका, तो जब मैं अपनी सिटी में व्लॉग बनाने निकलती हूँ तो बुरका ही पहनती हूँ।
क्योंकि काफी सारे लोग पहचान लेते हैं, फिर हम वीडियो नहीं बना सकते, लोगों का रश हो जाता है, सो इसी वजह से हम वेल पहनते हैं। तो कभी कभार ये भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ना भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। बहुत मेहनत करते हैं यार हम इतनी गर्मी में, एक आधा घर का व्लॉग होता है तो एक आधा फिर बाहर का भी होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहेगी। तो हम इस टाइम रोड के ऊपर खड़े हैं,